नमस्कार, बीसीएन न्यूज की खास पेशकश doctors.com में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वैशाली अटले, जिन्होंने MD in आयुर्वेद किया है, साथ ही त्रिशा आयुर्वेद रुग्णालय की ये संचालिका है। मैं आपका सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ मैम। ओके, और सबसे पहले मैं आप ही के बारे में जानना चाहती हूँ, आपने कैसी डिग्री हासिल की वगैरह। मेरा एजुकेशन जैसे कि अभी आपने बताया MD आयुर्वेद हुआ है। BMS की डिग्री जैसे कि 12th साइंस के बाद मैं ग्रेजुएशन हुआ BMS में। फिर ये सोचा कि आजकल बिना पोस्ट ग्रेजुएट के कोई डिग्री को इतना मायने नहीं है, या फिर और आयुर्वेद इतना वास्ट है कि डिग्री जब हम पढ़ते हैं आयुर्वेद में तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि हमको नहीं आती है समझ में, स्पैन बहुत छोटा है। मैं तो कहूँगी आज भी 0.02% आयुर्वेद शायद मुझे आता है, इतना वास्ट आयुर्वेद है। तो डिग्री तो से तो कुछ काम नहीं चलने वाला था, इसलिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एंट्रेंस दिया और फिर PG मैंने फिर आयुर्वेद मेडिसिन में किया, MD आयुर्वेद मेडिसिन में। ओके, जैसा आपने कहा मैम, आयुर्वेद बहुत वास्ट है। सच में आयुर्वेद बहुत वास्ट है और पुरातन काल से ये चलता रहा है, और इस कोरोना काल में भी देखा गया है कि आयुर्वेद की तरफ लोगों का जो दिलचस्पी है वो बढ़ती गई है। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि कोरोना ने अभी सबको नींद से जगाया है, ऐसे मुझे लगता है। सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं, मुझे लगता है कई लोग जो अलग अलग जगह अपना घर छोड़कर कई शहरों में काम के लिए गए थे, उनको भी घर लौटना पड़ा है काफ़ी लोगों को। कि ये शायद कोरोना ने हमको दिखाया इस माहौल में कि जितना आप अपने घर से या अपनी ओरिजिन से जुड़े रहो तो वो अच्छा है। और भारत में रहने वाले इंसान के लिए अपना घर यानी चिकित्सा क्षेत्र में अपना घर कुछ है तो वह आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद की जो परंपरा है वो 10 साल पुरानी, यानी रामायण महाभारत से भी पहले, रामायण काल से हमको, जैसे कि सुषेण वैद्य, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो सुषेण वैद्य जी ने कोमा से उनको बाहर लाया था। तो आयुर्वेद की परंपरा इतनी पुरानी है, तो कोरोना काल में सबको पुरानी चीज़ें याद आई, बोलो, इसीलिए शायद लोगों को लगा होगा कि जब इतना पूरे वर्ल्ड पे जब इतना संकट है और सब लोग ढूंढ रहे हैं तो क्यों ना हम हमारे घर में कोई दवाई ढूंढे, या फिर कोई हम जैसे माँ को याद करता है ना, तकलीफ ज़्यादा हो जाती है, तो वैसे शायद आयुर्वेद को याद किया गया और फिर उस पर खरा उतरा भी आयुर्वेद। कई लोगों को जो घर में ही अपने आप चिकित्सा काफ़ी लोगों ने की, क्योंकि माहौल ही वैसे था। ओके, आपने कहा मैम कि जैसे आयुर्वेद से ही हम लोग जुड़े हुए हैं पुरातन काल से, रामायण के युग से आयुर्वेद चलता आ रहा है, तो होम्योपैथी और एलोपैथी का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो आयुर्वेद इसमें किस तरीके से कारगर साबित होता है। देखिए क्या है एक्चुअली, सबसे पहली बात, कोई चीज़ अगर हम देखें तो हर एक चीज़ कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा और या उसके लिमिटेशन रहते हैं। आयुर्वेद अलग क्या है आपने पूछा, तो जैसे मैंने कहा कि बहुत पुरातन है आयुर्वेद, और जो प्रिंसिपल आयुर्वेद के सालों साल पुराने थे वो भी आज है। यानी ऐसा नहीं कि कोई ड्रग तब काम करता था अभी नहीं काम करता। जैसे कि एलोपैथी साइंस में हम देखें तो रेजिस्टेंस आता है, एक एंटीबायोटिक कुछ दिनों तक चलती है, फिर उसको रेजिस्टेंस आ जाए तो नया ड्रग हमको खोजना पड़ता है। तो एलोपैथी साइंस देखा जाए तो करीब 18वीं शताब्दी में इसका ओरिजिन हुआ है, तो 150 से 200 साल इसका उम्र है एलोपैथी का, जो साइंस डेवलप हुआ धीरे धीरे। और होम्योपैथी भी लगभग 150 साल से भी कम उसका ओरिजिन है, तो ये अपने तौर पे वो रिसर्च कर रहा है। पर आयुर्वेद की जो बात है तो आयुर्वेद तो एविडेंस लेके एलोपैथी में रिसर्च हुआ है। जैसे कि आप कहीं भी चले जाओ पूरे वर्ल्ड में, सर्जरी अगर आप पढ़ रहे हो, कोई भी किताब उठा लीजिए सर्जरी की, तो फादर ऑफ सर्जरी इज सुश्रुता। जैसे आपको पता है अंग्रेज जब भारत में आए थे तो सर्जरी डेवलप नहीं था, उन्होंने यहाँ सर्जरी होते हुए पहले देखा। राइनोप्लास्टी जब भारत में हुई थी तो देखा कि कैसे पॉसिबल है, जब अगर युद्ध में कोई नाक कट गई तो कैसे बिठा दी उसको, यानी स्किन रीडेवलपमेंट कहाँ से आई। तो कॉस्मेटिक सर्जरी, फादर ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी इज ऑल्सो सुश्रुता, उनको उनका हासिल है वो पद। तो इसी से हमको समझता है कि A to Z यानी टू माइनर कंडीशन से क्रिटिकल कंडीशन से सब कुछ आयुर्वेद में है, बस उसको समझने की और उसको आज के ज़माने के हिसाब से रिसर्च करके एडवांस बनाने की ज़रूरत है।
ओके आपने जैसे कहा कि फादर ऑफ सर्जरी इज फ्रॉम आयुर्वेद, और ये यकीनन सही है कि फादर ऑफ सर्जरी फ्रॉम आयुर्वेद, और इस ये जो टेंशन वाला माहौल है, हम लोग आज ही रोज़मर्रा की जिंदगी में इतना डिप्रेस रहते हैं, टेंशन में लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल लोगों का हो रहा है, तो इसमें आयुर्वेद किस तरीके से कारगर हो सकता है? देखिए आयुर्वेद ये पैथी मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है, ऐसे मेरे घर में एलोपैथी डॉक्टर्स भी हैं, पैथी कोई बुरी नहीं रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है जब भी कोई मरीज आपके पास आता है तो आपने उसका परीक्षण करके डिसाइड करना चाहिए कि उसको क्या बेटर है, उसको जो प्रेजेंटली डिसीज हुआ है उसके लिए बेटर साइंस क्या है, और किस इसमें जैसे कि आयुर्वेद में कहा गया कि एकम शास्त्र मधियाणो न विद्या शास्त्र विनिश्चय तस्मात बहुश्रुतम शास्त्रम विजाणिया चिकित्सक। इसका मतलब यह है कि चिकित्सक जब कोई भी समय में चिकित्सा की सेवा दे रहा है तो उसका कर्तव्य ये बनता है कि उस समय जो जो चिकित्सा से जुड़ी बातें समाज में है, जो कुछ अलग अलग पैथीज है अगर आपको समझना है, तो वो सबका अभ्यास एक ही चिकित्सक ने करना चाहिए, और फिर जब उसके पास कोई रुग्ण आ रहा है तो उसने परीक्षण करना चाहिए कि इसको अभी जो तकलीफ हुई है इसके लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ये सोचकर फिर चिकित्सा देनी चाहिए। तो ये जो हम आज हम देखें तो सबको पैथी को अलग अलग कर दिया है, उसमें भी आयुर्वेद शायद ऐसा साइंस है जिसमें एलोपैथी और आयुर्वेद को दोनों को जुड़ा दिया है गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स दिए, तो हम काफ़ी हद तक सोच सकते हैं कि बेटर क्या है और इसको क्या हम बेटर सर्विस दे सकते हैं। ओके मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि गंभीर बीमारियों में जो बहुत सारी सीरियस कंडीशन होती है उसमें आयुर्वेद किस तरह कारगर है? देखिए गंभीर और जो गंभीर नहीं है ऐसी सभी तकलीफों में आयुर्वेद के हिसाब से जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ये होता है कि आयुर्वेद में रोगम आदि आदि परीक्षा तदनंतरम औषधम, तो रोगों की परीक्षा पहली होती है और फिर उसका औषध दिया जाता है। गंभीर समस्या जैसे आप देख लीजिए कि अभी हार्ट डिसीजेज बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है, और महिलाओं में जो मेरी प्रैक्टिस में मैं पिछले 12 से 15 साल में देख रही हूँ कि लेडीज पेशेंट मैक्सिमम PCOD की शिकार है, थायराइड की शिकार है, तो क्यों ये सब कुछ हो रहा है? यही व्याधियाँ गंभीर रूप धारण करती है, जैसे कि महावारी की प्रॉब्लम है, महावारी आती ही नहीं है, यानी आना ये भी समस्या होगी, फिर प्रेगनेंसी फर्टिलिटी की तो बहुत बात की बात है। तो इंसान ने ये सोचना चाहिए कि हुआ क्या है हमारी लाइफ में कि जो आज तंत्रज्ञान इतना बढ़ गया है, साइंस इतना डेवलप हो गया है, जो टेस्ट नई नई टेस्ट रोज आती है, यानी पूरी बॉडी स्कैनिंग अभी हम कर सकते हैं कि कहाँ नस में कौन सी नस में ब्लॉक है, कोई नस दबी है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, कैल्शियम कितना है, विटामिन्स कितनी, ये सब हम जांचते हैं, फिर भी हेल्थ के जो पैरामीटर्स है वो इतने डाउन क्यों हुए हैं? तो इसका आंसर मैं एक ही दूंगी कि हम आयुर्वेद या हम हमारी जीवन पद्धति भूल गए हैं कि आयुर्वेद ये सिर्फ चिकित्सा शास्त्र नहीं है, आयुर्वेद ये ऐसा शास्त्र है कि उसमें पहले आप बीमार पड़ो ही ना, पहले उसकी व्यवस्था की गई है, वो इस माध्यम से कि आपको ऋतुचर्या बताई गई है, आपको दिनचर्या बताई गई है। आयुर्वेद का कोई भी ग्रंथ जो मेजर ग्रंथ है जैसे कि चरक संहिता है, अष्टांग हृदय है और सुश्रुत संहिता है, इनके जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो सूत्र स्थान आता है, इसमें कई अध्याय ऐसे दिए गए हैं जिसमें कि आप कैसे रहे कि आपको बीमारी हो ही ना, ये इसके बारे में काफ़ी अध्याय डिटेल में है कि ऋतुचर्या किस तरह होनी चाहिए, सुबह उठकर रात तक आपने क्या करना चाहिए, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, ये सब एक बहुत डिटेल विषय है, अगर मतलब इस पर अगर बोला जाए तो शायद अपने 2-3 एपिसोड भी कम पड़े कि क्या करना चाहिए। और पीछे आपने मुझे जो सवाल पूछा था कि कोरोना के लिए आयुर्वेद में क्या ऐसा हम कर सकते हैं, तो जब कोरोना का माहौल था शुरू तो मैंने सोचा कि जब इतना सब घबराए हुए हैं कि क्या हम ऐसा कुछ कारगर कोई रामबाण जिसे कहते हैं क्या उपाय कर सकते हैं, तो फिर मैं सोच रही थी कि कोरोना ये वायरस ब्लड में इन्फेक्ट नहीं करता है हमको, वो हमारे सांस हम जब सांस लेते हैं तो हवा के माध्यम से नाक और मुंह में अंदर जाता है, फिर वो फेफड़ों में कुछ तकलीफें करेगा, निमोनिया बाकी जब सब सिम्टम करेगा और फिर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल डाउन होकर वो क्रिटिकल कंडीशन में चला जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है उसका माध्यम जो है ऐसा ही होना चाहिए कि उसके स्थान पर जाके उसको मारे। तो जब दिनचर्या हम पढ़ते हैं आयुर्वेद में तो उसमें दिनचर्या में एक आया है कि धूमपान ये एक रूटीन था पहले आयुर्वेद में, ये दिनचर्या कहा गया, जैसे कि तांबुल सेवन यानी पान खाना ये दिनचर्या थी पहले। पहले जमाने में मेहमान आते थे तो उनके सामने पानदान रखा जाता था, उसका भी इम्पोर्टेंस बहुत अलग है, आप अगर कहो तो वो भी एक्सप्लेन करूँगी, बट वो बहुत विषय के बाहर जाएगा। तो कोरोना पे हम आते हैं,
कि धूमपान ये भी उसी के साथ कहा गया, जैसे अभ्यंग या नस्य कवल धारण, इसमें जो धूमपान आया है दिनचर्या में वो औषधि युक्त वनस्पतियों का धुआं करके उसकी बत्ती बनाई जाती है, जो अलग अलग दवाइयां हैं, और फिर उसको जलाया जाता है, धूमनेत्र एक तैयार किया जाता है उसके लिए, जैसे कि सिगार हम आपको समझने के लिए बताती हूँ, उसमें वो धूमवर्ती रखी जाती है, फिर उसको एक साइड से जला के जो धुआं निकलता है उसका पान किया जाता है मुख के माध्यम से, जिसे धूमपान कहते हैं, धुएं का पान करना। आज जो धूम्रपान है वो अगर हम बोले तो आपके सामने सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी स्मोकिंग आएगा सामने, तो ये जो टर्म है धूम्रपान ये आयुर्वेद संहिताओं में ही है, तो धुएं के माध्यम से इसका जो इंडिकेशन बताए किन रोगों में ये अच्छा लाभदायक है, कास श्वास पीनसो पुतिर गंध विस्वरत्वम, ये बहुत सुंदर श्लोक आया है। तो ये धूम्रपान करने से क्या लाभ होगा, पहला है कास यानी खांसी, श्वास यानी सांस लेने में तकलीफ, पीनस यानी सर्दी, और फिर विस्वरत्वम आवाज बदलना, टेस्ट मालूम न पड़ना, ये सब सिम्टम किसके हैं आप बता पाओगे, किसके सिम्टम हैं ये सब, कोरोना के। हाँ। जो कोरोना काल में हम इतना सब देख रहे थे कि सबको यही तकलीफ हो रही थी ना, खांसी है, सांस लेने में दिक्कत है, कई लोगों को टेस्ट नहीं समझ रहा है। हाँ। स्मेल नहीं समझ रही है, तो ये सब वो धूम्रपान के क्वोटेशन में आ गया है। तो मुझे ऐसा लगा कि धूम्रपान ये एक कारगर साबित हो सकता है कि जब हम धुआं लेते हैं तो धुआं जो है हमारे पूरे लंग्स में, पूरे नेजल वेज में जाके वहाँ वो जो उसकी दवाइयाँ है धुएं में जो गई है वो एज ए एंटीबायोटिक्स वहाँ काम कर सकता है, जैसे कि सैनिक और जो शत्रु में लड़ाई होती है उस तरह का वॉर हो गया, उसके जो जितना वो एक्टिव होगा कोरोना वायरस अंदर उसको इनएक्टिव कर सकता है, और हमने इसके ट्रायल्स भी लिए कई और बहुत कारगर साबित हुआ है ये, कि जो कोरोना पेशेंट बाद में जो बोलते थे हमको टेस्ट कराने में भी डर लगता है, बस सिम्टम है तो उनको हम देते थे फिर टेस्ट के लिए भेजते थे, तो बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका। और उससे प्रेरणा लेके आरोग्य हर्बल का हर्बल स्मोक हमने लॉन्च किया है। okay. कि जो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं अच्छा. उनको ऑप्शन दिया है कि आप हर्बल स्मोक लेके तंबाकू के तो दुष्परिणाम से बच ही सकते हो, जैसे कि कैंसर वगैरह, टोबैको पे लिखा होता है ना कि टोबैको स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, तो वो तो उससे बेटर चीज आप स्मोक करोगे जो आपको हेल्थ भी देगा, न कि आपको बीमारी से बचाएगा, आपको हेल्थ भी प्रोवाइड करेगा। तो आरोग्य मर्बल स्मोक इस पे हमारा काम शुरू है और मार्केट में कई जगह हमने इसको लॉन्च भी किया, इसका काफी रिस्पॉन्स भी आता है। आपने आयुर्वेद के संबंध में इतनी सारी जानकारी दी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि रोजमर्रा की दिनचर्या में हम आयुर्वेद को किस प्रकार यूज कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, ये तो हर एक के दिमाग में आना चाहिए कि हर किसी को लगता है कि हमारी जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी होने के साथ साथ अच्छी होनी, ऐसे नहीं कि दवाइयाँ खा रहे हैं और दिन काट रहे हैं। तो आयुर्वेद का प्रयोजन ही है, प्रयोजन यानी व्हाट इज द एम, एम इज कि आयुः कामयम् आनेनः धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधि यह परमादरम। इसका मतलब यह होता है जो आयु की कामना करता है, आयु काम यानी जो लंबी आयु, हर कोई चाहता है कि मैं लंबी जिंदगी, आयु काम है माने ना, धर्म अर्थ और सुख सबको चाहिए, धर्म है अर्थ है पैसा सबको चाहिए और सुख हो हमारी लाइफ में, ये सब जानते हैं। उसने क्या करना चाहिए, जिस व्यक्ति को इस सब की कामना है उसने ये करना चाहिए कि आयुर्वेद उपदेशेषु, आयुर्वेद में जो उपदेश कहे गए हैं, विधेय परम आदरम, उसे बड़े आदर के साथ विधि पूर्वक उसका पालन अपनी जिंदगी में करे, जो हमारे भगवान भी करते थे, राम भगवान हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, या जो कोई रिलीजन के उनका वो भी, उनके डॉक्टर्स आयुर्वेद ही वैद्य थे ना, क्योंकि इतना पुराना शास्त्र तो एविडेंस मिलता आयुर्वेद ही है, जब ये पैथी, आज जो पैथी अलग अलग है उस जमाने में थी नहीं, जो हम बड़े बड़े चरित्र पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, और भी जो उनके सब डॉक्टर्स कौन थे, तो वो आयुर्वेद वैद्य थे सब, तो उतना पावर आयुर्वेद में है कि आपको बीमारी होने ही ना दे, और अगर चलो आपसे कुछ गलतियां हो जाए रोजमर्रा की जिंदगी में तो उनको संभालने के लिए आयुर्वेद है। और क्या कर सकते हैं, एक तो आयुर्वेद के नियम यह है कि खाने के नियम है, खान पान के नियम है, वो नियमों का पालन करो, दो चार नियम आपके लिए, जैसे आपने पूछा है तो बता देती हूँ, सुबह उठना कब चाहिए, सबको पता है ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए, तो वो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता है, काम ऐसे हो गया ऑफिस से लेट आते हैं, खाना लेट होता है, फिर हम लेट सोते हैं तो जल्दी उठेंगे कहाँ से, तो जब भी आप उठे इसके साथ आप क्या पालन कर सकते हो, उठे बराबर लोगों की आदत होगी कि पानी बहुत पीते हैं, उठने के बाद वो नींबू डाल के या कोई जूस या शहद वगैरह डाल के, तो एक तो आप लेट सो रहे हो फिर लेट उठ रहे हो, तो ये सुबह खाली पेट इतना पानी पीना आपके लिए ठीक नहीं है। आयुर्वेद का नियम पहला यही है कि पानी आपको उतना ही पीना है जितनी आपको प्यास लगती है,
हमेशा पानी उतना पियो जितनी आपकी बॉडी डिमांड करता है. जैसे मॉडर्न कैलकुलेशन है, आपका बॉडी वेट इतना है तो आपको इतना पानी पीना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है. अगर दो इंसानों की उम्र सेम है, एक एसी में बैठे ऑफिस में काम कर रहा है और उसी वजन का, उसी उम्र का एक इंसान अगर सड़क पे हमाल है, धूप में वो वजन उठाने का काम कर रहा है, तो दोनों का वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में उतना वाटर डिमांड लगेगा ही नहीं. एसी में बैठा है ना, उनको पसीना आ रहा है ना, वाटर कहीं से इवापोरेट हो रहा है. तो बॉडी जैसा डिमांड करती है उतना ही पानी हमने पीना चाहिए. खाने के नियम सबको पता है, फास्ट फूड क्यों नहीं खाना चाहिए. एक्चुअली फास्ट फूड का बहुत मज़ेदार किस्सा यह है कि आयुर्वेद, जो आयुर्वेद में बताया ना, ये ना खाए, आपकी प्रकृति में आसपास जो आपके लिए बना है वो खाए, जो क्लाइमेट से मैच करता है. अब्रॉड में उनका उनकी उनका ऑप्शन नहीं है फास्ट फूड के सिवा, क्योंकि वहाँ फ्रेश रोटी वो लोग इतने ठंडे एटमोसफेयर में गुन नहीं सकते, बना नहीं सकते, फ्रेश सब्जी अवेलेबल नहीं है. इसलिए चिकन वगैरह जो पैक है या फिर पाव वगैरह फैक्ट्री में बनते हैं उसके साथ उनको खाना पड़ता है. वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना कूल रहता है टेम्परेचर, हम उतना यहाँ बर्फ तो नहीं गिरा सकते, क्योंकि जब ठंडी बाहर बढ़ती है तो हमारी भूख भी बढ़ जाती है. आप देखोगे कि दादी नानी ड्राई फ्रूट के लड्डू कब बनाती है, गर्मी में नहीं बनाती, ठंड में बनाती, क्योंकि ठंड में हमारी भूख ऐसी रहती है कि लकड़ हजम, पत्थर हजम, सब हम हजम कर सकते हैं. तो ये एटमॉस्फेयर भारत में तो हम क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ कुछ जगह है, शिमला है, ऊटी है, तो ये सब छोड़ के हम यहाँ वो एटमॉस्फेयर, इनफैक्ट जहाँ हम रह रहे हैं विदर्भ, तो हमेशा ज्यादा करके गर्म ही माहौल रहता है. हाँ. तो इस माहौल में हम ड्राई फ्रूट डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और वहाँ उसके साथ वो ड्रिंक जरूर लेते हैं ताकि स्टमक का एटमॉस्फेयर जो पीएच है वो कम हो, एसिडिक पीएच हो. कुछ ना कुछ ड्रिंक साथ में, आज भी आप पिज्जा विद कोक इस तरह से सर्व किया जाता है, तो भले ही हम पिज्जा विद कोक पी लें पर बर्फ तो आजू बाजू नहीं गिरा पाएंगे, इसीलिए वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह जाता है. फिर वो कहीं ना कहीं जाके आपको प्रॉब्लम करेगा, वो एक तो आपको हार्ट प्रॉब्लम करेगा या फिर कोलेस्ट्रॉल तो भी बढ़ाएगा या फिर फीमेल रिलेटेड हार्मोन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेगा. तो आपका खान पान की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है. मैं कहूँगी आप जितने गरीब बनकर जियो, जो लोग अमीर हैं उनके लिए खास तो आपके लिए अच्छा है. यानी आपके खाने में इतना कुछ मीठा, तो मेरे ख्याल से कुछ लोग मेरे पास पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं रोज मीठा कुछ ना कुछ रहता ही है, रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो, कुछ ना कुछ स्वीट रहता है. पहले जमाने में जाइए, मीठा कब हम खाते थे, कुछ ओकेजन हो स्पेशल तो ही बनता था, अदरवाइज नहीं. तो हम थोड़ा सा 200 साल पहले जाके अगर वो लाइफ देखें और हम कंपेयर करें तो उस तरह से जियो आप, तो बहुत ज़रूरी है. और ऑर्गन की सर्विसिंग करवाते रहो, जैसे कि नस से कहा गया आयुर्वेद में, आप भले ही नाक में तेल डालना अगर आपको पसंद नहीं है तो प्रतिमर्श नस से बस उंगली में तेल लेके आपको बस नॉस्टल्स पे लगाना है, करना पूरन है. तो ये सब बातें आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप ग्रंथ पढ़िए, अगर ना समझ रहा है तो पास के किसी अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक से जरूर जाके समझ लीजिए. तो इससे आपका लाइफ अच्छा रहेगा, ऑर्गन लाइफ अच्छा रहेगा, और आहार संभूतः होगा. आपका आहार बहुत ज़रूरी है. अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते सबसे पहले अपने आहार पर कॉन्सेंट्रेट करें कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कौन से समय खा रहे हैं, समय बराबर है क्या, मेरे प्रकृति के लिए वो बराबर है क्या, और जिस मात्रा में मैं खा रहा हूँ वो बराबर है क्या. तो ये सब बातों का अगर आप कहो तो हम अलग से रखेंगे कि क्या खाना चाहिए मैडम, कितने क्वांटिटी में खाना चाहिए. तो ये अगर आयुर्वेद का नियम आप पालन करो तो जरूर आपकी लाइफ जो है, जैसे कि चूहे की जो उम्र वेदों में लिखी है, घोड़े की लिखी है, हाथे की लिखी है, वो आज भी उतनी उम्र हमको दिखती है कि वो उतना जी लेते हैं. बस इंसान ही एक है जिसकी उम्र शतायुषी थी, 100 वर्ष की आयु. हाँ. जो आज हमको देखने को नहीं मिलती. आपने देखा है आपकी उम्र में 100 साल का इंसान, अगर है भी कोई घर में तो वो बहुत दवाइयां खाकर बिस्तर पे पड़ा है, वो तो जीना नहीं हुआ. 60 साल ये एवरेज लाइफ बनी रही है, शायद उससे भी कम. तो आयुर्वेद की तरफ झुकने की, सिर्फ चिकित्सा शास्त्र ये व्यू से नहीं, ये एक जीवन पद्धति है, जीवन शास्त्र है, जो यहाँ तक के बताया कि खाना कौन से बर्तन में बनाना चाहिए, कौन सा पकवान परोसना कहाँ चाहिए, यहाँ तक के बताया कि कैसा परोसना चाहिए आपने. तो ये सब बातें डिटेल में बहुत सुंदर तरीके से आयुर्वेद ने दी है. इसको ज़रूर आप कभी ना कभी अपने लाइफ में, और हो सके तो जितने जल्दी पढ़ सको पढ़ो, ताकि आप हेल्दी रहो और आपका पैसा, आपके जो भी आप कमाते हो, ऐसा ना हो कि उस ज़्यादा असर कमाई आपके मेडिकल इश्यूज में आप खर्च कर दो. ओके, बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर, कोरोना की दवाई को लेकर बहुत से मतभेद शुरू है, और इसी बीच आयुर्वेद किस तरीके से कारगर साबित हो रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे आए दिन हम न्यूज़ देखते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज देखते हैं, इसको वैक्सीन दिया, ये हो गया इसको वैक्सीन. तो मुझे ऐसा लगता है जो पिछले 8 महीने में जो सीखा है, जो अनुभव लिया है, कि
कोरोना जो है कि इतना कार्य इतना एक्टिव भारत में नहीं रहा है अगर हम देखें सब देशों की हिस्ट्री में। अगर होता तो आज एक भी गरीब जो सड़कों पे उस समय बिना मास्क के घूम रहा था, बिना सैनिटाइजर पे घूम रहा था, भिखारी खासकर, उनके तो लाशों के ढेर लग गए होते। तो प्रिवेंशन तो हम कर सकते हैं, बट ये आप आपकी बुद्धि है कि आप उसको कितने गंभीरता से लेते हो, आपका अनुभव क्या रहा है उसके प्रति। और जहाँ तक आयुर्वेद की बात करते हो तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि कोरोना ये एक लंग्स को डैमेज करने वाला डिसीज है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि एयरवेज के थ्रू, नाक के थ्रू या मुँह के थ्रू वो वायरस अंदर जाएगा, फिर वो उसका स्थान क्या है ना, वो डिसेंट्री करेगा ना जॉइंट पेन करेगा, जैसे कि पीछे चिकनगुनिया वगैरह ये सब आया था, ये लंग को डैमेज करता है। तो इसलिए लंग हमारा क्या काम करती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो मैक्सिमम कैप्चर करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है कोरोना पेशेंट में। तो ये ना हो इसीलिए आप घर पे क्या कर सकते हो, पहली बात तो प्राणायाम शुरू कीजिए। आज पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर इतना है कि ऑक्सीजन वैसे ही एटमॉस्फेयर में कम है, उसमें भी आप इतना टेंशन में रहते हो रोजमर्रा की जिंदगी में, एक चैन के साथ नहीं ले पाते। बोलते हो ना मुझे मरने तक की फुर्सत नहीं है या फिर सांस लेने की फुर्सत नहीं है, बहुत बार तो वो डीप सांस लो आप। कई लोग डीप ब्रीदिंग करते ही नहीं है, इसीलिए प्राणायाम इसलिए है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया। आप 5 मिनट खुद को नहीं देते, और सच में आप कभी करके देखिए, बहुत हेडेक हो रहा है या बहुत पेट में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, बस प्राणायाम कीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। तो ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है उनको पावर मिलेगा ऑक्सीजन के कारण, और वो काम करेगा। सेकेंडली, खाने से जो टॉक्सिन बनते हैं वो जल्दी सांस की तकलीफ करते हैं, कि आयुर्वेद में काश श्वास का मूल कहा गया आमाशय। आप क्या खा रहे हो उस पर खास कर ध्यान दीजिए, कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खा रहे कि जो डाइजेस्ट नहीं हो रही है, शरीर में वैसी ही पड़ी रह रही है, तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और आयुर्वेद में अभी लोगों को तो काफ़ी पता है कि काढ़ा किस तरह से बनाते हैं, पर काढ़े में ये ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आपकी पित्त प्रकृति है पहले से तो उसमें मिर्च दालचीनी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, वो कम मात्रा में ले। और काढ़ा दिन भर आपको हर समय एक 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 कप भर कर नहीं पीना है, वो अवस्था अनुसार, आपको थोड़ा सा लिथार्जिक लग रहा है या ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, कफ लग रहा है, उस समय आप लो, जैसे आलस का समय रहता है। और पान खाइए आप, पान जो है ना ये बहुत अच्छा डाइजेस्टिव है, इसमें चूना है तो कैल्शियम मिलेगा आपको, खदीर है जो ब्लड प्योरीफायर है, खदीर आदि वटी का नाम आपने सुना होगा, यदि डॉक्टर हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं ब्लड और ये से रिलेटेड प्रॉब्लम में, तो खदीर यानी कत्था जो हम पान में डालते हैं, तो पान डिलीवरी के बाद भारत में भी कई मतलब औरतों को पान दिया जाता है, शायद आपको ना पता हो, आपकी उम्र कम लग रही है, तो पान जो है ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक का भी काम करता है, और ये हम रोज खाते हैं। पान की भी काल बताया कि 5 बार 6 बार ऐसे कुछ खाना, तो वो पान आपके आहार में आप ज़रूर लाइए। और नियम कीजिए खाने के और पान के, तो आपको मुझे लगता नहीं है कि कभी कोई ये क्या और कोई बीमारी है, अब ये बीमारी हमको आज आई है, कल और कोई बीमारी आएगी तो ऐसे कितने वैक्सीन हम लेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है ज़रूरी है कि आप आपका सेल्फ डिफेंस इतना बढ़ाइए, आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ाइए कि आगे चल के कोई और अननोन डिसीज भी आ रहा है तो उसका इफेक्ट आप पे ना हो। जैसे जानवर है उनको हम सब वैक्सीन नहीं देते, पर सेल्फ इम्यून इतना बढ़ाइए, और वो कैसे बनेगा, हमारा शरीर ही आहार पे चलता है ना, जैसे गाड़ी आपकी पेट्रोल पे चलती है, तो हम छोटे 2.5 किलो से 50 किलो के बनते हैं वो आहार पे, खाने पे। तो आपके खाने के तरफ, आपके रहने के तरफ खास कर ध्यान दीजिए, आपका ब्रेन जो मेंटेलिटी है, स्ट्रेस लेवल है, उसको कम करने के लिए आधा घंटा खुद को दीजिए, रिलैक्स होइए, जो आपको पसंद है वो काम कीजिए कम से कम आधा घंटा। इससे आप क्या है, आपका माइंड भी रेस्ट करता है, भले आप शरीर से 5 घंटे 8 घंटे सो जाते हो पर माइंड रेस्ट नहीं हो पाता, उसको भी चेंज चाहिए होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लाइए, दादी नानी की सुनिए घर में, अगर वो ओल्ड एज है तो वो कुछ बताती है, तो ये सब अगर करो तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आज के आपके साथ का ये सेशन बहुत अच्छा रहा, आयुर्वेद से जुड़ी बहुत सारी बातें आपने आज हमें समझाई, और इस सेशन के लिए थैंक यू सो मच। आज के हमारे doctors.com में सिर्फ इतना ही, नमस्कार।